फतेहपुर में जितनी ज्यादा सलीम चिश्ती की दरगाह और बुलंद दरवाजा फेमस है ना, बिल्कुल उसी तरह फतेहपुर सीकरी में यहाँ की प्रसिद्ध नान खटाई। अगर आप लोगों ने अभी तक फतेहपुर सीकरी की नान खटाई नहीं खाई है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है। आज मैं फतेहपुर सीकरी में, जहाँ मैंने देखा भैया के पास में करीब 10 से 15 प्रकार की यहाँ पे नान खटाई रखी है। तो चलिए सबसे पहले भैया से बात करते हैं और देखते हैं कितने प्रकार की यहाँ पे नान खटाई है और उसके रेट क्या और कैसे बनती है। नमस्ते भैया। नमस्ते जी। नमस्ते भैया। यहाँ पे क्या क्या मिलता है अपने यहाँ पे? हमारे यहाँ की सर नान खटाई मशहूर है। नान खटाई में स्पेशल 4-5 तरह का तो मुख्य रहता है, बाकी और एक्सटर्नल फ्लेवर भी हमारे पास। अच्छा भैया, देख रहा हूँ मैं भैया आपके पास यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ काफी प्रकार की यहाँ पे नान खटाई रखी है। मैं वैसे ही चेक कर रहा हूँ कितने प्रकार की यहाँ पे नान खटाई रखी है। सहेली इतनी प्रकार की कहीं मिलती हो नान खटाई? और कहीं मिलती है इतनी प्रकार की नान खटाई? इसके अलावा मेरठ में रहती है, लेकिन वो बहुत छोटी छोटी रहती है। नान खटाई मेरठ में बिल्कुल छोटी छोटी रहती है। ठीक है भैया, मुझे भी आप यहाँ पे दिखाइए कितनी प्रकार की नान खटाई मिल रही है ना। ये भैया कौन सी नान खटाई रहती है? ये है देखिए बेसन वाली। ये बेसन वाली? बेसन वाली है और ये स्पेशल है, काफी अच्छा है, इसका टेस्ट रहता है। अच्छा, रेट क्या रहता है भैया इसका? इसका रेट रहता है 120 रुपए किलो। इसका 120 रुपए किलो भैया? कैसे बनता है इसे? इसको बनाते हैं सर बेकरी में, बनाते हैं हम बिस्किट की तरह इसको। अच्छा, बेकरी में बिस्किट की तरीके से बनाते हैं। और बिल्कुल साफ सफाई का बहुत अच्छा ध्यान रखना पड़ता है। वो मैं देख रहा हूँ भैया, हाइजीन का यहाँ पे अच्छी तरीके से ख्याल रखा गया। एक ये वाली है, ये सूजी मैदा में है, ये वाली रहती है सूजी और मैदा की। इसकी रेट भी सेम है, इसकी रेट 120 रुपए किलो है इसकी, और दोनों की रेट एक सेम है। जी जी बिल्कुल। और भैया कौन कौन सी मिलती है हमारे पास? एक ये वाली है हमारे पास, ये इसमें सूजी मैदा बेसन सोयाबीन चारों आइटम मिक्स रहते हैं। इसको हम क्रीम वाली बोलते हैं, जैसे की इसमें सूजी मैदा बेसन चारों आइटम मिलाते हैं, इसलिए इसको मिक्स वाली बोलते हैं। ये मिक्सर वाली होती है? जी जी बिल्कुल। इसकी रेट रहती है सर 160 रुपए की। इसकी रहती है 160 रुपए की ना? जी जी जी। ये रहती है हमारे पास बटर स्पेशल। जी, ये रहती है बटर स्पेशल जो कि क्या क्या होता है? जो कि केवल सूजी की ही बनाई जाती है। हाँ जी। और इसमें चॉकलेट और ग्लूकोज ऐसे एक्स्ट्रा कई फ्लेवर हैं जो ऐड किए जाते हैं। अच्छा अच्छा जी। इसकी रेट रहती है 220 रुपए के जी। ये रहती है 220 रुपए के जी। जी जी बिल्कुल सर। अगर आइए देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम पड़ रही, वरना वेरायटी इतनी है कि आप लोग भी परेशान हो जाएंगे, इतनी वेरायटी कैसे भैया बना रहे हैं। एक ये वाली है सर, ये वाली कैसी होती है? जी, ये बेसन और सोयाबीन दोनों मिक्स है इसमें। जब बेसन और सोयाबीन? जी, इसमें अभी बटर और मिक्स क्रीम किया जाता है। अच्छा, इसमें वही प्रोसेस रहता है। ये क्या रेट रहती है? ये रहती है 180 रुपए के जी सर। भैया इसे बनाने में कितना टाइम लग जाता होगा अंदाज़? टाइम करीब 4 से 5 घंटा। 4 से 5 घंटे की तरह इसको बेक किया जाता है, जिसमें की बहुत धीमी आंच से होता है। ये वैरायटी कितनी है नॉन खटाई की? इतनी शायद ही भैया और कहीं मिलती होगी फतेहपुर सीकरी में इतनी वैरायटी? सर नहीं, हम अपनी एक्स्ट्रा में वैरायटी रखते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ हमारे 70 साल पुरानी दुकान है सर। ये आपकी 70 साल पुरानी दुकान है? जी, हमारे बाबा थे मुंशी लाल हलवाई जी। अच्छा जी। इनका पुराना काम था। हाँ जी। हमारी खुद की बेकरी थी। अच्छा जी। सातों दिन ओपन रहती है या बंद भी रहती है? सातों दिन ओपन। ये सातों दिन ओपन रहती है, सुबह 7:30 से रात को 9:30 तक टाइमिंग रहती है। सुबह 7:30 बजे से लेकर रात को 9:30। कोई छुट्टी रहती है भैया हमारी? कोई छुट्टी भी रहती है कि नहीं रहती? छुट्टी तो कोई नहीं सर, कोई छुट्टी रहती है। इमरजेंसी कोई हो जाए तो बताना, अगर बाई चांस हो जाए तो हो जाए। जी 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 बिल्कुल। भैया तकरीबन कितने फ्लेवर होंगे ये? ये करीब 12 से 13 रहते हैं। 12 से 13? जी जी। इतने तो फ्लेवर भैया किसी ऑप्शन में मिले? नॉन खटाई में आपने इतने ऑप्शन बना रखे हैं? जी सर, बनाने पड़ते हैं, आजकल कस्टमरों की डिमांड रहती है। हाँ जी। कोई किसी को कोई फ्लेवर चाहिए, किसी को कोई फ्लेवर चाहिए। सही बात है भाई। अगर कोई स्पेशल ऑर्डर देना चाहे तो वो बना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा कस्टमर कोई ऑर्डर देना चाहे तो वो बना सकते? बिल्कुल। एक आप में भी एक जो आपके पास बढ़िया है सारे में से एक एक पीस आप हमारे लिए भी बनाए। बिल्कुल। खिलाने वाले हैं हम आपको? खिलाने वाले हैं सूजी स्पेशल। ये सूजी स्पेशल सबसे पहले आप, जो कि हमारे यहाँ सबसे अच्छी मानी जाती है। अच्छा, ये सबसे अच्छी मानी जाती है? बिल्कुल। और जस्ट दूसरे नंबर पर है हमारी ये मिक्स वाली। ये मिक्स वाली भी सूजी मैदा बेसन सोयाबीन मिक्स रहता है। ये हम आपको ये खिलाएंगे सादा, इसमें कोई फ्लेवर नहीं रहता है, ये सिंपल रहती है। ये पुराने जमाने में जो बुजुर्ग लोग खाते थे वो वाली है। अच्छा जी। एक ये वाली है बेसन वाली, ये वाली जो है एक ये भी खिलाएंगे आपको। ये चारों आप खाइए, अगर 12-13 खाएंगे तो आप भाई वैसे ही पेट भर जाएगा, आप तक ही नहीं पाएंगे आप। हाँ हाँ भाई, 12-13 तो वैसे नहीं, मैं मिनिमम 4 एक बार ट्राई करता हूँ उसके बाद बताइए। ठीक है भाई। और तो भाई कैसा है टेस्ट इसका? सबसे पहले ये कौन सी वाली थी? ये मिक्सर वाली थी ना? जैसी मैंने पहले खाई, मैंने खाई छोटी मोटी वाली, तो मेरठ में मिलती है। हाँ, हाँ। वो पता कैसी होती है? ओट पर रखो एकदम से फूट जाती है। हाँ। ये थोड़ी टाइट। हाँ। तो स्वाद वो है, पैसा ही है।
लेकिन थोड़ी सी टाइट है, दूसरी टेस्ट करना इसकी। दूसरी वाली करके बता देता हूँ, इसमें काजू भी लगा ऊपर, एक ही काजू बाकी। हाँ सही है, मेरे मेरे जहाँ तक जानकारी है जितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा उतना ही ज़्यादा सही लगेगा। सही है, इसका भी बता दूँ मैं, ये मुझे सबसे सही लगा है पहली बार फोड़ने में देखते ही। इन सब में एक तो ये वाला, हाँ जी नहीं ये सबसे सही लगा। हाँ जी, उसके बाद दूसरे नंबर पे ये लगा, दूसरा वाला भाई 120, ये भी 120 और ये है 220, इसमें काजू लगा इसलिए। और ये भी 120 ही है। ओवरऑल बात की जाए तो, ओवरऑल बात की जाए तो ये सबसे बेस्ट है। हाँ सबसे बढ़िया है, मज़ा आ रहा है कि मुझे खाने में, तो यही सबसे बेस्ट है। आप लोगों को वीडियो सही लगी है, जानकारी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब यार बढ़ नहीं रहे। इसका एड्रेस क्या रहता है? जी इसका रहता है बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी बाईपास चौराया। बाईपास चौराया दुकान का एड्रेस है सर हमारा, 6 बघेल मार्केट बाईपास मोल फतेहपुर सीकरी, ये है यहाँ जो कि वीडियो में आप देख लेंगे। हाँ हाँ वो मैं दिखाता हूँ।